नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं नाइन फिश गैलरी डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग। बहुत बहुत इस प्रोग्राम कहानी तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आर्ट फील्ड में एक रुचि के बगैर तो कोई नहीं आता, और सबसे पहला हमारा वही क्वेश्चन होता है कि आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, और जो कलेक्शन है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन, उसके विषय में आप दर्शकों से जरूर कुछ शेयर कीजिएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ मुंबई में ही बड़ा हुआ हूँ बचपन से। और मैं आर्ट स्कूल तो गया नहीं हूँ ना, आर्ट कॉलेज में गया हूँ। मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डाइवर्स और अलग अलग रही है। स्कूल के बाद मैंने पहले तो बीकॉम किया इधर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर मैं 2 साल अमेरिका में था, वहाँ मैंने एमए किया अमेरिकन लिटरेचर में। उसके बाद मैं आया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, फैमिली बिजनेस के साथ मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री किया, एमए किया, और एक उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी किया। और इंग्लिश लिटरेचर में एस्थेटिक्स, 20th century एस्थेटिक्स, लिटरेरी एस्थेटिक्स के ऊपर मेरा फोकस था। तब तक मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया था डिज़ाइन का और आर्ट का। उसके बाद मैंने एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स पे मास्टर्स डिग्री किया। तो मैं खुद आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर जरूर हूँ, और फर्नीचर और होम्स को डिज़ाइन करता हूँ, इंटीरियर्स, फर्नीचर प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करता हूँ, और आर्ट का क्यूरेशन करता हूँ, आर्ट कलेक्टर हूँ। आर्ट कलेक्टिंग तो बचपन से ही था, क्योंकि मतलब 4 generations से फैमिली में आर्ट और एंटिक्स का कलेक्शन रहा है, तो आर्ट के साथ ही बड़ा हुआ हूँ बचपन से। और आर्टिस्ट के माहौल में क्यूरेटर्स के साथ ही, वो जब से 6-7 साल का था तब से आर्ट गैलरीज जाना पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, और भी बहुत सारे फैमिली में मेंबर्स हैं जो आर्ट से कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। और घर भी हम लोगों का घर कोलकाता में भी है, तो वहाँ भी सारे बंगाल के आर्टिस्ट का आना जाना रहता था बचपन से, सबसे उठना बैठना रहता था। बचपन में आर्ट सीखने का शौक था, तो मेरे टीचर सुनील दास थे, सुनील दास आके बचपन में सिखाते थे, तो उस समय तो छोटा था, कोई सीरियसली किया नहीं मैं। उसके बाद फिर आर्ट कॉलेज में पढ़ाई किया नहीं, लेकिन आर्ट में हमेशा इंटरेस्ट रहा था, सेल्फ स्टडीज बहुत है आर्ट में। और फैमिली बिजनेसेस तो अलग थी, लेकिन फिर फैमिली बिजनेसेस तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, टेक्सटाइल के, शुगर के, वो सब में कभी रुचि नहीं रहा, बहुत बोरिंग लगा मुझे। तो फिर पेरेंट्स के इनकरेजमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसी को अपना बिजनेस बनाओ, तो डिज़ाइनिंग और आर्ट को ही मैंने फिर अपना मेन बिजनेस बना लिया, और उसी को आगे बढ़ाया, और इसमें पूरा मन लगता है। अच्छा, अहमदाबाद तो जो कनोरिया आर्ट सेंटर है, हाँ जी, उससे भी आप कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड है मतलब मेरे फैमिली का ही है। मेरे फादर के फर्स्ट कजिन के ही हैं, तो उर्मिला कनोरिया जी मेरी ताई जी लगती हैं फिर से, तो फैमिली कनेक्शन पर रही है ये सब चीज़ों में हमेशा से। ओके, एक्चुअली मेरे मन में प्रश्न आया तो मैंने ये पूछ लिया। तो आप जैसे एंटिक्स भी कलेक्ट करते हैं, मैं जब वहाँ नाइन फिश आया था कई बार देखा आप कई सारे एंटिक्स बाहर से भी कुछ कुछ कलेक्ट करते, वो इंटरेस्ट कब ऐसे हुआ, अमेरिका जाने के बाद या पहले? नहीं, बचपन से ही था एंटिक्स कलेक्टिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ 4 generations से हम लोग एंटिक कलेक्टर हैं, तो बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है मुझे एंटिक्स में, एंटिक फर्नीचर में, पुराने पेंटिंग्स में, पुराने टेक्सटाइल्स में, स्कल्पचर में, कोई भी चीज़ में एंटिक का तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एकदम पागलपन ही है ऑलमोस्ट। ओके, अच्छा, जो कंटेम्प्रेरी है, जो अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और ये होता है, जैसे कंटेम्प्रेरी में जो चीज़ें आपके सामने आती हैं या कुछ ऐसे आपने क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो एक ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसी चीज़ का मैं ऐसा, क्यों वो आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं?
मैंने इसलिए दो सेक्शन बना लिया है। एक जैसे मेरा ग्रेट ईस्टर्न होम है जो फर्नीचर और डिज़ाइन और एंटिक्स में डील करता है, और एक नाइन्थ फिश आर्ट गैलरी है जो प्योरली कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि पहले 10 साल मैंने साथ में रखा था सब, और फिर कंटेम्प्रेरी आर्ट को एक लाइफस्टाइल स्टोर या डिज़ाइन स्टोर में डिस्प्ले करने से उसका वैल्यू, कंटेम्प्रेरी आर्ट का वैल्यू ठीक से बाहर नहीं आता, तो हम लोगों ने फिर एक अलग गैलरी खोला। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्योरली कंटेम्प्रेरी आर्ट को डेडिकेटेड है नाइन फिश। तो नाइन फिश आर्ट गैलरी में सिर्फ कंटेम्प्रेरी आर्ट दिखाते हैं, और ग्रेट ईस्टर्न होम में बाकी का डिजाइनिंग का काम, एंटिक्स का काम, फर्नीचर का काम, वो सब उसमें करते हैं। ओके, और जो फाइकस नाम से है वो हाँ, वो भी ग्रेट ईस्टर्न होम के जैसे एक अलग मार्केट सेगमेंट के लिए वही करता है, डिजाइन फर्नीचर। हाँ, जैसे ग्रेट ईस्टर्न होम तो सुपर लग्जरी, एकदम ही सुपर लग्जरी लेवल पे है, एकदम टॉप है, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फर्नीचर शॉप होगा एक तरह से, और फाइकस जो है वो मीडियम लेवल का है। तो दो अलग ऑडियंस हैं, दो अलग बायर ग्रुप्स हैं, तो वो दो, और डिजाइनिंग का भी सेंस फिर अलग हो जाता है, तो वो दो अलग अलग ब्रांड है, वो दोनों डिजाइनिंग और फर्नीचर के। ओके, हाँ अच्छा, यहाँ एक और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो लोग कैसे गैलरी को अप्रोच करते हैं, वो डायरेक्ट आपसे आके मिलते हैं या कम्युनिकेशन या किसी के थ्रू या क्यूरेटर्स के? डायरेक्टली मिलते हैं, वैसे गौरमणी दास करके हैं हमारे गैलरी क्यूरेटर भी हैं, तो या तो उन्हें अप्रोच करते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, और नाइन फिश में हम लोगों के ऑन गोइंग बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के लिए कंटिन्यूसली ऑन गोइंग रेसिडेंसीज भी रहती है, जैसे अभी भी 3 या 4 आर्टिस्ट हैं, तो ग्रेट ईस्टर्न के डिजाइनर्स के लिए, सॉरी ओके, इसका क्या ओपन कॉल होता है? ओपन कॉल होता है, वैसे हम लोग उसके लिए एडवर्टाइज तो नहीं करते, काफी लोग जानते हैं हमें तो खुद ही अप्रोच कर लेते हैं, या फिर अगर किसी का काम कहीं देखा हो, पसंद आया हो इंटरनेट में या कोई शो में, तो फिर हम लोग उस आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं। और फिर एक आध आर्ट कैंप्स भी रखे थे, तो अब हम एक आर्ट कैंप हम लोग ने भूटान में भी रखा था, 9 आर्टिस्ट थे उसमें, 8 आर्टिस्ट इंडिया के थे और एक आर्टिस्ट बांग्लादेश के थे, तो वहाँ भी 2 हफ्ते का कैंप रखा था आर्ट कैंप, और ऑन गोइंग रेसिडेंसीज तो यहाँ यंग आर्टिस्ट भी हमेशा कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, भूटान के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ अपना ऐसी जो कम्युनिकेशन है नहीं, तो मैं जरूर इस पे बात जरूर करूँगा। तो हम एक काम करते हैं, स्लाइड शो के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स आपने क्यूरेट किए हैं उसके ऊपर हम देखते हुए बात करेंगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा। जी, इस शो के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये शायद कोलते सर का शो था। हाँ, ये प्रभाकर सर का शो था, प्रभाकर कोलते, तो उनसे जी काफ़ी कनेक्शन रहा था कुछ 4-5 साल से हम लोगों का, अब तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और फिर रियलाइज किया कि उनका 17 साल तक कोई सोलो शो नहीं हुआ था, और वो काफ़ी हट चुके थे, मतलब ये मार्केट से एक तरह से ना, वो अपना खुद का ही काम कर रहे थे, स्टूडियो में ज़्यादा उनका स्टूडियोज ये गैलरी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखे थे, ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली आके अपना काम बेच नहीं रहे थे, दिखा नहीं रहे थे, तो फिर उनको काफ़ी कन्विंस किया 1-1.5 साल तक कि एक आपका शो रखना चाहिए वापस, सोलो शो। तो ये उनका सोलो शो रखे थे, काफ़ी बड़ा शो रखे थे, और ये मतलब वो 17 साल बाद एक पूरा सोलो शो किए थे, और ये शो में हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट रेट्रोस्पेक्टिव था, एक वीडियो भी बनाया है काफ़ी अच्छा इनके ऊपर, और वो वीडियो भी दिखा रहे थे कंटिन्यूसली शो के समय, और कोलते सर पोएट भी हैं, तो उनके 2-3 पोएट्री के रखे थे, लेक्चर्स भी रखे थे शो के बीच में। ओके, और उनका पूरा 40 साल का काम डिस्प्ले किया था, तो 1960s से लेके अभी तक
के उनकी पेंटिंग्स लगाई थी हम लोगों ने पूरा। ओके, कुछ पोर्ट्रेट्स भी किए हुए हैं हाँ, और काफी मतलब काफी रेयर वर्क्स उनके पुराने ढूंढ ढूंढ के निकाले लगाए हम लोगों ने, और उन्होंने पूरा एक वॉल भी पेंट किया था शो के लिए, वो तो अच्छा, ये आर्टिस्ट हाँ, ये कोलते सर ने खुद पेंट करके देखे, अब लेफ्ट साइड में नीचे उनका सिग्नेचर भी है। ओके, तो उन्होंने पूरा पेंट किया था, और ये जो छोटे एब्स्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं ऊपर, ये उनका 45 साल का काम का पूरा क्रोनोलॉजिकली लगाए हैं, तो सबसे पहले वाला 45 साल पुराना है और एक एकदम एक साल पहले का था, तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट्स को से चूज करके सेम साइज का हम लोगों ने 45 साल को कवर किया था, तो उन्होंने उसके नीचे पूरा एक पेंटिंग बना के साइन किया था, तो वो तो बहुत बड़ा ऑनर था हम लोगों के लिए कि उन्होंने ये जो वॉल पे उन्होंने किया है वो ना, हाँ हाँ वो डायरेक्टली उन्होंने वॉल पे किया और फिर साइन किया नीचे। ओके, नहीं वाकई ये सब तो अनुभव है, इतने सारे सीनियर्स आर्टिस्ट के साथ काम करना, उनका अनुभव को जानना, ये तो बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे शो में भी थे वो, जब लॉकडाउन पूरे टाइम थे शो में तो बहुत थे, उन्होंने काफी लेक्चर्स भी रखे थे, और ओपनिंग के दिन तो करीब 350 लोग आ गए थे। वाओ, हम लोग सोचते थे कि अच्छा रहेगा 100-150 लोग तो आएंगे ओपनिंग में, बोलते कि 350-400 लोग आ गए उस दिन तो। वाओ, और सुबह तीन चार बजे तक चला था ओपनिंग, क्योंकि फिर वो रात को 12-1 बजे तो लेक्चर देना शुरू कर दिए लोग, बोलते सर 4 बजे लोग गए, तो बहुत जोरदार ओपनिंग रहा था, और फिर एक्सटेंड भी करना पड़ा, दो महीने रखे थे शो पहले, फिर उसको एक दिन और एक्सटेंड किया, क्योंकि लोगों का पूरे इंडिया से फोन आ रहा था कि वो आना चाहते हैं। ओके, और सब जगह से लोग आए, मतलब आसाम, कश्मीर, साउथ से सब जगह से लोग आए वो 3 महीने में। वाओ, मतलब वो एक ग्रैंड शो हो गया, ये बहुत ही ग्रैंड शो हो गया था, जितना सोचे थे उससे बड़ा, मतलब भक्तिशन का नाम तो है, और फिर ऐसा जब लोगों को पता चला कि इतना पूरा 40 साल का काम लगा है, तो सब जगह से लोग आए। नहीं वाकई ये तो मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी आया था उस समय देखने के लिए, ये और बहुत ही वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और इतना कवरेज मिला, मतलब मीडिया में तो बहुत कवरेज मिला इसको, हर मैगजीन हर न्यूज़पेपर में पूरे इंडिया में आ रहा है इनके बारे में, ये शो के बारे में। इसी ये वाला फोटो में आप देखोगे, जैसे पहले ना राइट साइड में पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, ये भी उनके बहुत रेयर है, यूजली लोग कुलती सर का काम को पोर्ट्रेट से कनेक्ट नहीं करते। बिल्कुल, तो ये 6-7 पोर्ट्रेट्स का भी एक सीरीज था उनका 30 साल पहले का। ओके, तो वो भी कहीं से ढूंढ के लगाए थे हम लोगों ने। ओके, नहीं वाकई ये एक पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो भी उन्होंने किया वो सारा चीज ये शो में देखने को मिला। दूसरा एक चीज में ये गैलरी की एक खूबसूरती है, मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा यहाँ, एक साइड का जो वॉल है वो आपने उसको बिल्कुल वैसे का वैसे एज इट इज रखा, दूसरे साइड उसका उसको प्लेट, वो भी बहुत एक खूबसूरती है उसका, जो एक यूनिक और कंटेम्प्रेरी दोनों का मिक्स है वो। हाँ, क्योंकि ये जो गैलरी है ना, ये एक बहुत पुरानी टेक्सटाइल मिल में है जी। और टेक्सटाइल मिल पे तो पूरी मतलब मुंबई की इतिहास तो पूरी टेक्सटाइल मिल्स के चारों तरफ ही रही है। बिल्कुल, तो ये जो गैलरी है ये 1839 में बनाई गई थी ये बिल्डिंग। ओके, तो आज 170 साल से ऊपर हो गया, और वो जो रूम है ये कमरा जो है ये भी कोई टेक्सटाइल एक्टिविटी के लिए यूज हुआ करता था। ओके, और सारे दीवार और सीलिंग अभी भी ओरिजिनल है, अंग्रेजों का बनाया हुआ 1839 से जो तो इसलिए जो वो एक वॉल है लेफ्ट साइड का जी, वो उसमें जो टेक्सटाइल मिल का पूरा हिस्ट्री है वो पूरा इतिहास उसमें जैसे एज एन आर्टवर्क छप गया है उसमें ना, कभी तोड़े होंगे, कभी कुछ रिपेयर किए होंगे, कभी कोई मशीन पार्ट फिट किए होंगे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करना था एक तरह से, क्योंकि साथ में हिस्ट्री भी कैरी करना पड़ता है कंटेम्प्रेरी लाइफ में। बिल्कुल, और उसी से गैलरी की ब्यूटी भी आ गई है, तो वो वॉल वैसा का वैसा रखे हैं लोगों ने। बिल्कुल, और मोस्टली आजकल हम देखते रहते हैं ना न्यू जो कंस्ट्रक्शन व आर्किटेक्चरल डिजाइन हो रहे हैं उसमें वो कई एक वॉल ऐसे सरफेस जैसे जो सीमेंट वाला वो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कई सारे आर्किटेक्ट के साथ मैं देखता हूँ। हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लुक देता है इस गैलरी से, जब एक वो आर्टवर्क उनके घर में लगेगा तो वो इफेक्ट वो खुद ही फील करने लग जाते हैं। ये जो फर्नीचर इसमें रखे हुए हैं ये भी एंटिक्स ही हैं।
हाँ, ये शो जो आप दिखा रहे हैं अभी, ये पाब्लो बार्थोलोमियो का शो है, फोटोग्राफी का शो था उनका। पाब्लो तो बहुत बड़े फोटो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर रहे हुए, इंटरनेशनल फेम बहुत बहुत ज़्यादा मिला हुआ है उनको। तो ये वाला जो शो है ये उनके नागालैंड सीरीज के ऊपर है। उन्होंने जी 10 साल पूरा नागालैंड पे रिसर्च किया था, फोटोग्राफ्स खींचे थे वहाँ पे, और 10 साल में करीब 500 से ज़्यादा दिन वहाँ बिताए हैं और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट किया है। तो ये शो सिर्फ उनके नागालैंड के ऊपर था। तो हमारे ग्रेट ईस्टर्न होम में भी हमारे ओके पास ओरिजिनल नागालैंड के बहुत सारे फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स हैं, तो उसको भी ओके साथ में डिस्प्ले किया गया। ये सारे जो फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स हैं ये सारे ओरिजिनल नागालैंड के ही हैं, सो ओके 100 से 200 300 साल पुराने हैं। तो वही सारा वो, और फोटोग्राफ्स में भी वो दिखते हैं काफी जगह। तो यही पूरा का पूरा एक हम लोगों ने क्रिएट किया था नागालैंड का इफेक्ट। और जैसे कुछ चीजें आप बाहर से भी कलेक्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया से, हाँ जी, बहुत सारा तो फर्नीचर भी वहां से लाते हैं, फॉरेन से लाते हैं, और आर्टिफैक्ट्स भी लाते हैं, आर्ट भी लाते हैं, कारपेट्स, लाइट, सभी चीज लाते हैं। ग्रेट ईस्टर्न होम में तो सब कुछ लाते हैं, और करीब 45 देशों का सामान है हमारे शॉप में रफली। वाह, ये भी उसी शो का पार्ट है। हाँ, ये भी पाब्लो बार्थोलोमियो के शो का ही पार्ट है। तो लेफ्ट साइड में तो एक फोटोग्राफ जैसे देख रहे हैं आपको, और राइट साइड में एक बहुत जी पुराना 150 साल पुराना नागालैंड का दरवाजा, डोर होता था पहले उनका, तो वो वहाँ रखा हुआ है। ओके तो शो को हम लोग कंटेम्प्रेरी फोटोग्राफ्स और एंटिक्स के साथ ऐसे ऑफसेट करके, कंट्रास्ट करके पूरा शो किया था। ओके ये ये सब सब उनके उसी शो नागालैंड के के पार्ट हैं। ऊपर। हाँ, ये सब उनके शो। ओके एक्चुअली मैं सबसे पहला एंटिक का जो कलेक्शन है ना, मैंने जब मुंबई एयरपोर्ट बन रहा था, जीवीके का जो प्रोजेक्ट था, तो हाँ तब राजीव सेठी जी ने एक वहाँ पे स्टोर ये किया था, जो एंटिक्स थे जिसमें वुडन, हाँ वो शायद एयरपोर्ट में कहीं कहीं लगे हैं, तो हम लोग हाँ रेकी ये करने के लिए नागालैंड वहां के आए हैं। थे, तो पहली बार मैंने देखा। हाँ, राजीव सेठी तो खैर बहुत बड़े क्रिएटर हैं और हमारे फ्रेंड भी हैं, और काफी एडवाइस भी देते हैं हम लोग को, काफी इनकरेज करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न होम को तो बहुत एडवाइस करते हैं, ओके और नाइन फिश में भी हम लोगों ने जब सलामत हुसैन का शो रखा था फोटोग्राफी का, तो वो ओपनिंग में आए थे। तो ओके राजीव सेठी से तो हम हाँ लोग का काफी ऑलमोस्ट हर हफ्ते ही बातचीत नहीं, एक चलती बातचीत हम रहती उनसे थी भी हमारी। करना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो अलग अलग तरह के बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं ना एंटिक्स को लेके, तो हम चाहेंगे कि आप हाँ, जरूर ये शो उनका के उनका नॉलेज इस टॉक एंटिक्स के को बारे में। लेके तो ट्रेमेंडस नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको। मे भी उनका ओपिनियन लेते ही रहता हूँ कोई अच्छा, भी ये कुछ जो आता है तो। गेट के आजू बाजू में दोनों साइड जो ये लगा है, ये भी हाँ, ये भी वो है। पाब्लो पाब्लो बार्थोलोमियो के शो के लिए किया था, नागालैंड वाले शो के। तो ये वो ओके ओके नागालैंड के टोटम पोल होते हैं, तो वो उनका जो कलेक्शन है मेरे पास ग्रेट ईस्टर्न में, उसको हम लोगों ने साइड में सजाया था दोनों तरफ। वाह, मेज रिपीट हुआ है। तो ये वो पुराना पार्ट है, साइड है जो गैलरी का, जहाँ पे आप देखते हैं पुराना दीवार। ये जो स्लाइड है ये हर साल हम ओके लोग एक आर्ट फेस्टिवल रखते हैं, आर्ट 35 करके, और जी ये टेक्निकली नाइन फिश का शो नहीं है, ये फाइकस ब्रांड वाला शो है। इसमें ये एकदम यंग आर्टिस्ट ओके को एनकरेज करते हैं हम लोग, और ये 4 दिन चलता है। अभी दो ओके साल तो नहीं हुआ था कोविड के कारण, अभी इस साल विंटर में रखने का प्लान है। तो ये 5 बार रख चुके हैं, ओके और इसमें क्या करते हैं कि पूरे इंडिया से और अक्सर बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका के आर्टिस्ट भी पार्ट लिए हैं, एक बार अफ्रीका के आर्टिस्ट भी पार्ट लिए थे। कोई भी यंग आर्टिस्ट अपना काम भेज सकते हैं, और हम लोग पूरा ओके डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे, और 4 दिन तक पूरा फेस्टिवल जैसा रहता हाँ है। तो बहुत लोग आते हैं देखने, और
पेंटिंग्स के साथ वो 4 दिनों तक काफी और भी प्रोग्राम्स रखते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, थिएटर रखते हैं, फूड फेस्टिवल भी रहता है, तो काफी रौनक रहती है 4 दिनों के लिए। और इसका अनुभव तो मेरे को है। हाँ, और जो भी आर्टिस्ट यहाँ डिस्प्ले करता है उनका भी वो 4 दिन कहीं से भी आए उनका भी रहना खाना सब हम लोग करते हैं कि इन लोगों ने मुंबई में आके रह पाए, यहीं रह पाए इसी कंपाउंड में या इसके आसपास, तो उनका भी आना हो जाए, नहीं तो पता है कि काम भेज देते हैं, आना मुश्किल हो जाता है 4 दिन के लिए। नहीं वाकई ये तो यंग आर्टिस्ट के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कत है, तो उनका रहना खाने का सब हम लोग इंतजाम कर देते हैं पूरा, तो उनका बस एक टिकट लेके आना है और फिर बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। और 4 दिन तक तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, मतलब प्लेज रहते हैं सुबह से, थिएटर, म्यूजिक, लाइव बैंड रहता है पूरे दिन, पार्टी चलते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, और यंग आर्टिस्ट लोग को भी हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए बच्चों के लिए पेंटिंग वेंटिंग का उस 4 दिनों में, तो उनका भी अगर कुछ वर्कशॉप रखते हैं तो भी पैसा बना लेते हैं उसमें, तो कॉन्स्टेंट एक्टिविटी रहता है और काफी लोग आते हैं मतलब 4 दिनों में पूरा। वाह, नहीं इससे एक चीज है, जैसे एक आर्ट लवर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है, जो जो बायर्स आते होंगे उनके बच्चे भी आके उन सब वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते होंगे। हाँ, और बॉम्बे के मतलब यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी बुलाते हैं तो उनको भी आर्ट वर्क के बारे में दिखाते हैं, उनका भी टूर होता है, तो ऐसे काफी कुछ होता है। ओके, और जो यंग आर्टिस्ट का के काम भी रहते हैं वो भी अफोर्डेबल आर्ट रहता है, तो बॉम्बे के काफी लोग आ जाते हैं आर्ट खरीदने, जो मतलब जो सीरियस गैलरी में जाके एक्सपेंसिव पेंटिंग नहीं लेना चाहते हैं, उनको लगता है यहाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो इस तरह से भी लोग आ जाते हैं, और फिर वो मनोरंजन भी रहता ही है, 3-4 घंटा उनका मन लग जाता है कोई म्यूजिक प्रोग्राम सुन लेते हैं, आर्ट लेते हैं, तो इस बहाने से लोगों को बुलाने का भी एक तरीका हो जाता है। नहीं वाकई ये तो मैं खुद अनुभव किया कि जब हम वहाँ थे तो पूरा दिन दिन 2 दिन तो हमने ऐसे ही वो निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, कहीं चाक पे कुछ बन रहा है, कहीं म्यूजिक एक बार जो आता है वो 5-6-7 घंटे वहाँ बिता के जाता है वो। और वहाँ का ऐसा माहौल भी ऐसा, ये शो शर्मिष्ठा रे का है, शर्मिष्ठा रे वहाँ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट है, न्यूयॉर्क में रहती हैं, ओरिजिनली कोलकाता बॉम्बे की हैं बट अभी न्यूयॉर्क में कुछ सालों से, तो उनका एक सोलो शो था काफ़ी बड़ा, तो इसमें इंस्टॉलेशंस भी थे, कुछ फोटोग्राफ्स भी थे और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी थे, स्केचेस भी थे, मतलब काफ़ी मीडिया में थे, तो एक इंटरेस्टिंग शो था, बहुत ही अलग किस्म का शो था। ओके, यूजली इनका काम वो फॉरेन गैलरीज में रहता है, ये एक मिक्स शो था। अच्छा। और इसका थीम बेसिकली ऐसे क्रिश्चियन आर्ट के ऊपर था, तो क्रिश्चियन आइकॉन्स और ये सब चीज़ों के ऊपर था, तो हम लोगों ने सजाया भी वैसे ही था चर्च के जैसे, कैंडल्स वेंडल्स लगा के, क्योंकि हम लोग अपने क्यूरेशन पे बहुत ध्यान देते हैं गैलरी में। ओके, कोई भी शो का ना किसको कैसे क्यूरेट करो, उसकी लाइटिंग से लेके प्रेजेंटेशन तक वो बहुत ज़रूरी है, उस पर नाइन फिश का बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में आर्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी भी क्यूरेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है, बहुत ही लो है। आप यूरोप में या अमेरिका में आर्ट शो देखो तो बहुत, तो वो उसका दर्जा ही एक तरह से गिर जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है इंडिया में, और वो क्यूरेशन लेवल्स बढ़ाने का काम करना जरूरी है। नहीं वाकई, और इसके लिए वर्कशॉप भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे क्या कुछ अनुभव एक लोगों को आप ऐसे ये करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मेरे पास ही अभी 2-4 दिन पहले किसी का फोन आया कि आपने अभी एक क्यूरेटर का टॉक किया था, तो आप उनसे संपर्क करवाइए, हम चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्यूरेट करना चाहते हैं, तो ये चीजें मतलब जिन चीज की लोगों को जरूरत है उसके अगर वर्कशॉप ऐसे कंडक्ट हो तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट मिल सकता है, और ये आर्ट फील्ड के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यहाँ पे एकदम निग्लेक्टेड फील्ड है ये क्यूरेशन, आप बड़े बड़े आर्ट शोज में भी जाइए तो क्यूरेशन बहुत ही मतलब लाइन से बस पेंटिंग्स लगा दिए, कोई भी चीज पे ध्यान नहीं देते कि थीम के ऊपर, यू नो एक तरह से वो पूरा शो इटसेल्फ एक वर्क ऑफ आर्ट है। तो जैसे अभी 2 हफ्ते पहले इटली में था, तो हम लोग काफी आर्ट गैलरीज में गए थे, तो एक आर्ट गैलरी में वहाँ घुसते ही
जो आर्ट के काम है वो तो अलग है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया है वही एक आर्ट फॉर्म है। वाह, तो वो यहाँ नहीं दिखता यूजुअली गैलरीज में। ओके, नहीं वाकई ये चीजें बहुत जरूरी है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, क्या थीम है, क्या चीज है उसके ऊपर। तो आदमी गैलरी में घुसता है तो एक एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एग्जीबिशन में। बिल्कुल, वो देख के ऐसा लगे सालों साल उनके जहन में रह जाना चाहिए कि हाँ ये शो देखा है। हाँ बिल्कुल, वो शो का प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, वो क्यूरेटिंग लेवल होता है, और क्यूरेशन के स्टैंडर्ड्स अभी बहुत लो है इंडिया में। तो हम लोग नाइन फिश से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यूरेशन पे ध्यान दें पूरा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये शायद तो खोलते की सर का हाँ, ये हाँ खोलते सर ही बैठे हैं सामने। और अच्छा, इससे पीछे वाला जो इमेज था, हाँ, ये इमेज, ये वुडन स्कल्पचर है या मेटल है? ये वुडन स्कल्पचर है, ये ईस्ट अफ्रीका का है, ड्रम्स बजा रहा है आदमी, और एक ही पीस लकड़ी में पूरा काम है, और ये एबनी लकड़ी है जो बहुत दामी लकड़ी होती है, बहुत भारी भी होती है, ब्लैक रंग की होती है। ओके, और बहुत ही भारी है, मतलब जैसे टीक वुड से ऑलमोस्ट 3 गुना वजन होगा इसमें। वाओ, आप कुछ कह रहे थे कोलते सर के। हाँ, ये तो कोलते सर ही बैठे हैं सामने पेंटिंग्स के। ओके, तो ये जैसे मैंने ये 3 पेंटिंग लगाए थे दीवार पे, तो ये शो के पहले दिन का है, तो कोलते सर आए थे और उन्होंने इस पे कमेंट किया था कि बहुत अच्छा लगा उनको जिस तरह से लगाया गया, वो वहाँ बैठे देख रहे थे, तो मैंने फोटो खींचा था इसको। ये वो 8:35 के समय कोई परफॉर्मेंस आर्ट था, ये दो यंग आर्टिस्ट थे जो कुछ परफॉर्मेंस आर्ट कर रहे थे 12 मिनट का। हाँ, ये ब्लैक में शायद उर्वी छेड़ा है, और ये हाँ, सूरत से मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने काफी काफी खूबसूरत परफॉर्मेंस किया था वो। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था ये वाला। तो ये मेरे एंटी कलेक्शन में से है पीस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पीस है, ये करीब 400 साल पुराना है मध्य प्रदेश के। ये दो फिगर है घोड़े पे बैठे हुए, और इसका मतलब ASI को भी दिखाए थे, तो चीज के फिगर है क्या है, बट 400 साल पुराने हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ये तो पता है, क्योंकि इस टाइप के फिगर्स यू नो फेस और दाढ़ी के साथ वहाँ पे होते नहीं थे। तो उनको लगता है कि शायद ये कोई यू नो क्रिश्चियन जेजुइट मिशनरी टाइप के लोग आए होंगे घोड़े पे बैठ के 400-500 साल पहले उस एरिया में। ओके, तो उनको देख के शायद बनाया गया होगा ये। तो ये काफी रेयर और एक चीज मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है, अभी हम लोगों ने जब एक फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए हमने एक ऑनलाइन शो किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के काफी सारे ट्राइबल आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने शायद वुडन काम के कुछ स्कल्पचर भेजे थे, तो वो चीजें मेरे ख्याल से उनके कनेक्ट हो सकता है कि अगर वो लोग जानते हों, क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ियां यही करते हुए आए हैं। लेकिन ये ऐसा फिगर कहीं और मिला नहीं, और वहाँ भी कुछ पूछताछ किया था हम लोगों ने, लेकिन उनको भी कोई आइडिया नहीं क्या है। तो ये जो इनका जो पहनने का तरीका है वो सब, वो लगता है कि वो ये एक इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है, लकड़ी में है, बुद्ध है, फोक बुद्ध है, और ये वहाँ का है, ये करीब 250-300 साल पुराना है, और ये उधर का है, ये लाओस का है, कम्बोडिया के बगल से। तो इसके रख रखाव के लिए भी तो बहुत वो ध्यान देना पड़ता होगा। थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही पड़ता है, वो क्योंकि लकड़ी है, कभी भी उसमें दिमाग में कुछ भी लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है। ये दोनों फिगर जो मैं कहते हैं ना बैठे हुए, हाँ ये दोनों काफी बड़े, तो ये बहुत अनयूजुअल है इतने बड़े फिगर उस टाइम के मिलने, और इस तरह से घोड़े पे बैठे हुए, कपड़े इंडियन नहीं है, कपड़े भी थोड़ा से वैसे ही लग रहे हैं, कुछ यूरोपियन टाइप के वेस्टर्न भी है। तो ये शायद वो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज वहां से निकले होंगे, तो उनको देख के बनाया गया होगा शायद, मतलब ये एक अंदाजा है। और ये घोड़े के बाल
भी बने हैं शायद नारियल के, जूट ऐसा कुछ यूज? नहीं नहीं सब लकड़ी के ही है, सब लकड़ी के, नारियल का है ना, सब सॉलिड लकड़ी का है। ओके नहीं पुराना होके वाले लग रहा है। ओके नहीं दोनों घोड़े पूरे लकड़ी में ही है। ओके ये तो गरुड़ है, काफी बड़े हैं ये, साउथ के करीब 180 साल पुराने। ये सारे मेरे जितने भी एंटीक्स हैं सब ASI में रजिस्टर्ड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड करके रखे हैं। ये तो कोई मुझे जहाँ तक याद है कुलतीसर का ओपनिंग था शो का, कुलतीसर खड़े हैं और जॉन डगलेस, जेजे के जॉन डगलेस खड़े हैं, और ये तो थिएटर फिल्म पर्सनैलिटी में जो दिया जला रहे हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ, ये कुलतीसर का ओपनिंग ही था। हाँ ये कुछ यंग फोटोग्राफर्स का हम लोगों ने रखा था, तीन चार यंग फोटोग्राफर का ग्रुप रखा था, तो इसमें से है तो। ये भी साउथ का घोड़ा है पुराना एंटीक, 200-250 साल पुराना है, ये कर्नाटका उड़ीसा के बॉर्डर के एरिया का है, कोई मंदिर का हुआ होगा पहले। इस पे लेयर्स एंड लेयर्स रंग के लगे हुए हैं, तो वो हर साल उस पे रंग लगाते थे, फिर निकालते थे, फिर लगाते थे, निकालते थे सेरेमनी के लिए, तो उससे इसमें बहुत अजीब सी ब्यूटी आ गई है, क्योंकि बहुत मोटा परात सा जम गया अलग अलग रंग के। वाकई ये तो एक नया पीस है, उधर का है, ये भी है इधर का, ये कंबोडिया थाईलैंड के आसपास का है, किसी ने बनाया होगा, फ्रेंच स्टाइल का है, वहाँ फ्रेंच लोग रूल करते थे, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत दिखता है, जैसे अपने अंग्रेजों का दिखता है, और उसको फिर पुराना लुक दिया है उस आर्टिस्ट ने, मुझे पसंद आया था, तो फिर 7-8 साल पहले मैं आया था वहाँ से। जो जैसे पेंटिंग में, ये तो स्कल्पचर की बात हो गई, पेंटिंग में कुछ ग्रेट मास्टर्स के काम भी आपके कलेक्शन में जरूर होंगे, उसके बारे में, क्योंकि उसके इमेजेस तो मुझे मिले नहीं थे, बट जो मुझे मिला वो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था, तो किस तरह के कलेक्शन में पर्सनल कलेक्शन वाले फोटोज मैंने लगाया। ओके यहां पे नाइन फिश का उसको लगाया जा रहा जो शोज। ओके ये एक तुरिया ग्रुप करके हैं यंग महाराष्ट्र आर्टिस्ट के, तो उनका ग्रुप शो हुआ था जी, तो उसमें से मेनली एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और थोड़ा सा स्कल्पचर पे, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे काम करते हैं, वो उनका पूरा शो किया था, काफ़ी अच्छा रहा सक्सेस। ओके अभी बस कोविड के पहले यही एक शो था अपना लास्ट, ये उसी शो का पार्ट है, उसी शो का पार्ट है। ओके सब उसी शो का, ये ग्रुप शो था ना? हाँ ये ग्रुप शो था, ये ग्रुप शो था पूरा, वो तुरिया ग्रुप करके उन लोग सब साथ में काम करते हैं आर्टिस्ट। ओके और बहुत टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैं सब, सब एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं, तो उनका ही शो था पूरा। और बोलते सर आके फिर एक दो लेक्चर भी दिए थे शो के बीच पे एब्स्ट्रैक्शन पे। अच्छा ये इसी शो के दौरान? हाँ इसी दौरान, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर दो लेक्चर भी दिए थे उन्होंने, तो बड़ा अच्छा रहा था ये शो। ओके कुछ लगाते हैं तो सोच के लगाते हैं कि वैसा वॉल, वैसे वॉल से अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, तो वो वॉल को जब यूज करते हैं तो ध्यान देने वाली है, कुछ कुछ काम उसमें अच्छे भी लगते हैं, कुछ नहीं भी अच्छे लगते हैं, तो वो सोच के करना पड़ता है। बिल्कुल ये तो पाब्लो के नागालैंड की खूबसूरती अलग है वो। ये तो पाब्लो, अच्छा ये पाब्लो स्टाइल का, इनका भी शो एक्सटेंड किया था, क्योंकि इनका पॉपुलैरिटी जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिज्म में इतना बड़ा है कि वो उसके लिए भी बहुत लोग आना चाहे, पूरे इंडिया से लोग आए, तो उसके लिए भी फिर एक्सटेंड किया, उनका भी शो एक्सटेंड किया पूरा। ओके ये तो उनके शो के लिए, ये बीच में भी आप नागालैंड का एक बेड देख रहे हैं, और साइड में लेफ्ट साइड के कोने में एक पूरा 16 फुट लंबा नागालैंड का एक टोटम पोल है हमारे पास 200 साल पुराना।
तो उसको भी कैसे कैसे गैलरी में घुसा ऊपर तक खड़ा किए थे, तो उसमें भी करीब 14 लोग लगे थे उसको खड़े करने में। बहुत भारी है, 1 टन है पूरा गैलरी के वॉल के। ये सब चीजें तो चैलेंजेस होते हैं, मतलब और हाँ, चैलेंज कोई एक्सेप्ट करना उसके हिसाब से प्रेजेंट करना। नहीं वाकई। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेजेस तो के लिए ये आर्ट में तो देखिए बहुत और कमजोरियां भी है बहुत इंडियन गैलरीज में, इंडियन क्यूरेटर्स में। एक तो काम अच्छा भी होता है तो प्रेजेंटेशन का क्वालिटी भी उतना प्रोफेशनल नहीं है। तो वो इंडिया में क्यूरेशन से भी वो लेवल नहीं आ रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। और अपने आप को एक्सपोज नहीं करते मुझे लगता है ना, इंटरनेशनल आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो तो फिर इंटरनेशनल आर्ट से एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। पहले तो बिल्कुल मतलब बहुत, उसके बावजूद भी जब मैं बात करता हूँ यंग आर्टिस्ट से तो उन लोग काफ़ी ब्लैंक रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अपने कॉलेज पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, आप इसका एक दूसरे का काम देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि तो बहुत बहुत स्किल है, बहुत अच्छा आर्ट है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है सिंपली क्योंकि वो माइंड खोल के आगे बढ़ते नहीं है। तो ये मैं हमेशा समझाता हूँ आर्टिस्ट को, जिसका मुझे पसंद आता मैं कहता हूँ आगे आगे जाओ, काम पसंद आ गया मैंने कह दिया, मैंने तुम्हारा ग्रुप शो में लगा दिया, ये नहीं कि नेक्स्ट 40 साल तक यही बनाते रहो, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्ट इट्सेल्फ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर तुम आज ही काम अच्छा कर रहे हो तो 5 साल बाद ही करोगे तो फिर वो कंटेम्प्रेरी नहीं रहेगा, कंटेम्प्रेरी 5 साल बाद का अलग होगा, आज का अलग है, तो वो आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर मुझे लगता है ना कि वो अभी नहीं आए इन लोग इंडियन आर्टिस्ट इतना, तो मैं एक तो ये एडवाइस दूंगा। वही एज ए गैलरिस्ट जब आप ये इस तरह की बात रख रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत काम आने वाली बात है। इस पे ध्यान भी देना चाहिए। देखा करो बस, मुझे पता है कि सब आर्टिस्ट नहीं जा सकते यूरोप अमेरिका गैलरीज देखने, लेकिन अब तो इंटरनेट पे पूरा का पूरा वीडियोज है, पूरे वॉकिंग सब दिखाते हैं गैलरीज के बारे में, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, मतलब कितना कुछ अवेलेबल है खुद के डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, तो देखा करो माइंड खोल के देखा करो पूरा, जापान में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में अफ्रीकन आर्टिस्ट आज इंडिया से ज्यादा यूरोप के गैलरीज में दिखाई देते हैं, एक्टिव है, यंग अफ्रीकन आर्टिस्ट में बोल रहे हैं, 19-20 साल के आर्टिस्ट अफ्रीका के भरी पड़े यूरोपियन गैलरीज में, बिक रहा है उनका काम। इंडियन गैलरी इंडियन आर्टिस्ट इस एज वालों को तो ढूंढना पड़ता है, और बिल्कुल ढूंढना पड़ता है, और मेरे ख्याल से ज्यादा बैकवर्ड है, ज्यादा गरीबी है फिर भी, क्योंकि उन लोग का माइंड ज्यादा खोल के काम कर रहे हैं लोग, तो ये कमी है यहाँ पे। मैं आर्ट के प्रोफेसर को भी ये बताता हूँ, आर्ट जी और मुझे पता है कि काफी गैलरी वालों को भी यही लग रहा है यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, ये तो जब गैलरी को लाके अपना काम भी दिखाते हैं तो मोर प्रोफेशनली लाके दिखाना चाहिए, एक थीम पे दिखाना या कुछ फोकस होके दिखाना, लोग बहुत हैफ़ाज़र्ड तरीके से दिखाते हैं, कुछ तो अभी के काम दिखा दिए फिर अचानक से दिखाएंगे कि मेरा फर्स्ट ईयर का काम है या ये मेरा बचपन का काम है ना, वो गैलरी कंफ्यूज हो जाता है। तो सही ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए पहली बार अगर आप कोई गैलरी वाले या क्यूरेटर को अपना काम दिखा रहे हो तो। बिल्कुल नहीं, कई कई जगह ऐसा होता है ना, कई सारे जो ये हैं, मतलब अभी जब एक्सपीरियंस की ऐसी बात करें तो कई लोग पीडीएफ भी रेडी नहीं होता है या काम का साइज टाइटल लेयर मीडियम
ये सारी चीजें भी हाँ, मेरे ख्याल से तो लैपटॉप कॉलेज लाते हैं, फिर बोलते हैं लैपटॉप का पावर खत्म हो गया, मैं केबल नहीं लाया इस तरह से वो काल फिर बात रुक जाता है ना, क्योंकि गैलरी वाले भी बिजी रहते हैं, उनके पास इतने सारे आर्टिस्ट आते हैं बिल्कुल। हाँ, नहीं तो तो ये सब वाकई ये चीज चीजें तो प्रोफेशनली करना ही चाहिए, हाँ वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। फर्क 3 बजे का पड़ता टाइम है देंगे, 6 बजे तक आएंगे नहीं, फिर बोलेंगे सर आप मुझे टाइम नहीं दिया, वही। तो अरे तो 3 घंटा तो वेट किए, उसके बाद दूसरा काम आ गया, तो ये सब दिन भर चलता नहीं रहता है, ये वाकई सब बहुत वही, है, ये इन वो सब सब चीजों में ध्यान देने वाली प्रोडक्टिविटी। बात है हाँ ये सब बहुत ध्यान देने की बात है। वही। तो बिल्कुल सर, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और मैं अब अंत में जानना चाहूंगा इस चैनल के लिए आपका क्या रिव्यू है। ये चैनल अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बस व्यूवरशिप बढ़ाइए, लोगों को देखना चाहिए ये सारे इंटरव्यूज आप इतने लोगों का लेते बिल्कुल हो, तो आई होप ये बिल्कुल स्टूडेंट लेवल तक फैले और हर कॉलेज के स्टूडेंट्स देखें ये सब चीज़ें। नहीं बिल्कुल, वो लोग देखते हैं, काफी गैलरीज भी देखती हैं, फिर क्यूरेटर्स हैं, आम लोग देखते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्टिस्ट ने क्या किया है, सबका एक आर्ट जर्नी जो है ना, वो लोगों को इंटरेस्ट जरूर ये करता है, तो हाँ वो लोग हिंदी में हैं तो ये जरूर देखते हैं या चालू करके सुनते रहते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, वो हाँ एक्सपीरियंस अलग लोगों को मिलता है। अरे तो आपने इतना सारा व्यस्त समय में से समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल, और बहुत मेरे ख्याल अच्छा लगा, से और मैं कहता हूँ जो भी आ बिल्कुल सर, सके जरूर आए मेरे गैलरी में आए, मैं भी मिलने के लिए तैयार हूँ, जो भी आए कभी भी मिले मुझसे मिले, ग्रेट ईस्टर्न देखें, फाइकस बिल्कुल देखें, राइनोसेरॉस देखें, 7ों दिन बिल्कुल खुले रहते हैं हम लोग के तो तीनों ब्रांड, वाह। और आप देख मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि कमेंट्स के जरिए आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे बातचीत, और लिखिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ हम ओके कल एक नए शख्सियत के फिर साथ मुलाकात होती है फिर। थैंक यू सो मच सर, थैंक बाय बाय, थैंक यू, यू। नमस्कार, जय हिंद।